जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सति गुरु। उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं हुआ? नहीं, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वो वैसे ही स्वस्थ और प्रसन्न अवस्था में है जैसे वो पूंछ में आग लगाते समय दिख रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मास्त्र के आगे इंद्र क्या मुझे भी झुकना पड़ता है? वो जटाधारी राम भी तो ब्रह्मास्त्र के आगे विवश होकर अचेत पड़ा हुआ है। ये वानर कैसे प्रभाव मुक्त रह सकता है? यही तो घोर आश्चर्य है। तो क्या वो वानर तथा कथित रम रम ना और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? आपकी बात तो मैं नहीं जानता। जहां तक उन दोनों का संबंध है तो हनुमान स्वयं को श्री राम का तुच्छ दास बताता है। केवल राम, केवल राम। अरे कोई मेरी शक्ति को कम करके आंकने की भूल ना करे। मेरे पराक्रम से इंद्र भी हर हर कांपता है। ग्रह नक्षत्रों को मैं अपनी इच्छा से जहां चाहे अपनी इच्छा से घुमाता हूं। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिसने महादेव शिव शंकर के निवास कैलाश को हिला कर रख दिया हो? मेरे अतिरिक्त है कोई ऐसा तपस्वी जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की हो और हर 1,000 वर्ष अपने एक एक शीश को स्वयं काट कर अर्पित कर दिया हो? यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़, देव, दानव कोई मुझे नहीं मार सकता। इन मनुष्य और वानरों को तो मैं कीट पतंगों की तरह मसल डालूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं अमर हूं, अजय हूं। मैं बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे दस शीश इस बात का प्रमाण है। मैं बल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरी 20 भुजाएं इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, मैं छल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। ना ना श्री, जहां बल और बुद्धि परास्त हो जाते हैं वहां मैं छल से विजय हो जाता हूं। Call me.
मेरा ये कार्य काल ने भी करेगा। कालनेमी बड़ा ही मायावी था। अपनी माया के बल पर वो धरती, आकाश और पाताल में भी जा सकता था। उसके पास एक ऐसी सिद्धि थी जिसकी सहायता से वो मन की गति से तीनों लोकों में कहीं भी चला जाता था। कालनेमी, तुम आ गए। ये विनोद का समय नहीं है कालनेमी। ये विनोद का समय नहीं है कालनेमी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले कालनेमी। कालनेमी मेरी धैर्य की परीक्षा मत ले। दशानन को रुष्ट करने का परिणाम जानता है? लंकेश, छल, कपट, ये तो कालनेमी के अंग रक्षक है। लंकेश, छल, कपट, कला, विग्रह, दुराचार, मिथ्याचार, माया, मोहन, वशीकरण, कुछ भी करके कोई भी युक्ति से उस वानर का अंत कर। वानर? कौन वानर लंकेश? वही जो मेरे गले का कंटक बना हुआ है। हनुमान, ये किसका नाम ले दिया आपने लंकेश? हनुमान तो दुर्जय है, उससे पार पाना दुस्साध्य है। यदि तुमने ये कार्य कर दिया और हनुमान नामक कंटक निकाल दिया तो ये दशानन का वचन है कि तुम्हें लंका सहित पृथ्वी का आधा राज्य दे दिया जाएगा। हनुमान, यदि तुमने ये कार्य ना किया तो ये भी दशानन का वचन है कि तुम्हारी जीवन लीला का अंत इसी क्षण कर दिया जाएगा। और मेरा कार्य करेगा कि नहीं तो मैं हनुमान के प्राण भले ही न ले पाऊं किंतु
घटना अवश्य सुनिश्चित कर सकता हूँ सूर्य उदय से पहले रणभूमि में न पहुंच सके। तू बस उसका वध सुनिश्चित कर। लंकेश, जो कुछ संभव हो सकता है मैं वही बता रहा हूं। वध कर दो उस हनुमान का। आपका कार्य पूर्ण हो गया समझिए। विकट तब हनुमत किए सब जोग प्रकट। बड़े राम पर जब संकट तब हनुमत किए सब जोग प्रकट। निरंतर करते राम का ध्यान चले बचाने श्री राम के नाम। भगवान वेग से गमन गगन में श्री राम नाम को आना आना संजीवनी लाना। हनुमत को है काल हराना। काल ने मी से पार भी पाना। हनुमत को है काल हराना। काल निमी आंजनेय हनुमान की हत्या का प्रबंध करने के लिए वो एक पल में ही पाताल जा पहुंचा। मित्र दंत कंठक प्रकट हो मित्र। कार्य सिद्धि के लिए अपना काल कूट विष प्रकट करो मित्र। हनुमान
धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। लंका से पृथ्वी का आधा राज्य। हनुमान, कालकूट विष लेने के पश्चात कालनेमी एक पल में ही द्रोण पर्वत पर जा पहुंचा और एक तपस्वी का रूप धरकर शिला पर बैठ वो पाखंडी भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने लगा। शिवम शिवाय, वंदे शंभु गुरुवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं केसरी पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का तुच्छ दास हूं। कल्याण हो। वत्स, यहां किस उद्देश्य से आए हो? यहां तो साधकों और तपस्वियों के अतिरिक्त और कोई नहीं आता। मैं यहां पर संजीवनी आदि चार दिव्य औषधियां लेने आया हूं, किंतु मुझे जो लक्षण दिए गए थे यहां पर तो सारी औषधियां वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। आपकी सहायता का आकांक्षी हूं, किंतु हमारी अंतर्दृष्टि कहती है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आपको विश्राम और जलपान की आवश्यकता है। ये लीजिए। क्षमा करें मुनिवर, राम कार्य के मध्य में मुझे नहीं विश्राम। ठीक, विश्राम नहीं करना चाहते ना करो, किंतु ये शीतल जल तो ग्रहण कर लो। नहीं, जल पीने का भी समय नहीं है। ये कोई साधारण जल नहीं है वत्स, इसे आप धन्वंतरी के अमृत कलश का एक अंश ही समझो। इसे ग्रहण करते ही आपकी देह में ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाएगा। नहीं मुनिवर, राम कार्य करते हुए मैं निरंतर उत्साही बना रहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप औषधियों का निर्णय करने में मेरी सहायता करें।